अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी ये वीडियो आपके आने वाले इम्तहान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कम 30 से 35 सवाल ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, और आज के इस सबक में जो गुफ्तगू हो, जो आपको मेन बातें लगे वो आप नोट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना सबक। सवाल नंबर ए, मसूद हुसैन खान के मौरी से आला का नाम क्या है? मसूद हुसैन खान, जिनकी पैदाइश 1919 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुई और उनका इंतकाल 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ, उनके मौरी से आला जो हैं वह है हुसैन खां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हुसैन खां। सवाल नंबर दो, फजले की करबल कथा, मरतबा मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद में कुल कितनी मजलिसें हैं? अब तक की तहकीक के मुताबिक शुमाली हिंद में उर्दू की पहली नसरी तसनीफ जो है वह है फजल अली फजले की करबल कथा, जो उन्होंने 1732 ईस्वी में मोहम्मद शाह के अहद में लिखी थी। हालांकि ये करबल कथा जो है ये मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की किताब रोज़तुश्शोहदा का आज़ाद तर्जुमा है। करबल कथा के अंदर 12 मजलिसें हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 मजलिसें। हालांकि इसे सबसे पहले डॉक्टर ख्वाजा अहमद फारूकी ने अपने मुकदमे के साथ 1961 ईस्वी में शाया किया था। सवाल नंबर तीन, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसके अंदर नावल का ज़ुमरा दिया है हम वैशी हैं, फायर एरिया, जहाक, ये गलत हो गया, जहाक ड्रामा है। दूसरा है अफसाने का ज़ुमरा, बाज़ आमद, अलाव, रास्ता बंद है, ये तरतीब गलत हो गई। तीसरा है जिम के ताल्लुक से ड्रामा, फुटपाथ के शहजादे, ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। और इसके बाद है आपका असीर हिर्स, ये आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा है जो 1901 में लिखा गया। इसके बाद देख रहे हैं नैन, ये भी एक ड्रामा है। ये तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, जीम। सवाल नंबर चार, गुरेज किस शायर की नज़्म का उनवान है? गुरेज एक ऐसे शायर की नज़्म का उनवान है जिनका पूरा नाम है चौधरी अब्दुल हई और उनका तखल्लुस है साहिर। इनकी पैदाइश 1921 ईस्वी में और इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। इनका पहला शेरी मजमुआ है तलखियाँ, जिसमें शामिल है नज़्म, गुरेज, चकले, ताजमहल वगैरह। गुरेज का एक शेर जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तेरी नज़र तेरे गेसु तेरी जबी तेरे लब, तेरी नज़र तेरे गेसु तेरी जबी तेरे लब, मेरी अदा इस तबीयत से सुस्त से है उकताई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साहिर लुधियानवी। सवाल नंबर पाँच, बागो बहार में किस्से का आगाज़ किस मुल्क के बादशाह से होता है? बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज और मीर अमन की पहली तसनीफ है जो इन्होंने 1802 ईस्वी में लिखी थी। हालांकि ये अता हुसैन तहसीन की नौतर्ज मुरस्सा का तर्जुमा है। अता हुसैन तहसीन ने 1775 ईस्वी में ये किताब लिखी थी और ये किस्सा चार दुर्वेश का आज़ाद तर्जुमा है। इसमें बादशाह आज़ाद बख्त और चार दुर्वेशों के किस्से को बयान किया गया है। आज़ाद बख्त जो मुल्क रोम का बादशाह है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुल्क रोम। सवाल नंबर छः, आराइश महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ़ की किताब है? ये किताब है एक ऐसे मुसन्निफ़ की जिनकी पैदाइश शाहजहाँबाद में हुई थी और इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबों की तसनीफ़ और तर्जुमे किए थे, जिनमें से हैं किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, आरइश महफिल जो 1801 ईस्वी में लिखी। जी हाँ, हमारी मुराद है ऑप्शन बी, हैदर बख्श हैदरी। सवाल नंबर सात, दर्ज जेल में से कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूहे कायनात। रूहे कायनात जो फिराक का मजमुआ है, नक्शो निगार इनका मजमुआ है। जोश की पैदाइश जो हुई थी वो 1896 ईस्वी को हुई और इनका इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ था। नक्शो निगार 1936 ईस्वी में शाया हुआ। सुरूर खरोश
1953 ईस्वी में शाया हुआ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रूहे कायनात। सवाल नंबर 8, उसूल तहकीक व तरतीब मतन किसकी किताब है? अब इसका नाम जो कि तसनीफ है, तो इसका इंतसाब जो किया था वह है अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी के नाम, और इसकी जो मुसन्निफ है वह है तनवीर अहमद अलवी। सही जवाब ऑप्शन बी तनवीर अहमद अलवी। सवाल नंबर 9, अपने दुख मुझे दे दो में मदन किस चीज़ का कारोबार करता है? अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है जो 1965 ईस्वी में शाया हुआ था, और इस मजमू के अंदर 9 अफसाने शामिल हैं। इस मजमू का इंतसाब राजेंद्र सिंह बेदी ने आले अहमद सरूर के नाम किया था। अपने दुख मुझे दे दो इस अफसानी मजमू के अंदर एक अफसाने का नाम भी है जिसके मेन किरदार हैं मदन, इंदु वगैरह। तो इसका सही जवाब है जो मदन काम करता है वो करता है गंदे बिरोजे का काम करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गंदे बिरोजे का। सवाल नंबर 9, गज़ल की इसलाह तमाम असनाफी सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, ये बयान किसका है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनकी पैदाइश 1937 ईस्वी को और 1837 ईस्वी को और इंतकाल 1914 ईस्वी में हुआ, जिन्होंने गज़ल को बेवक्त की रागनी और शायरी का नापाक दफ्तर कहकर इसकी इसलाह के लिए ये बात कही है कि गज़ल की इसलाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाली। सवाल नंबर 11, नाविल आका दरिया के किरदार कमाल का पूरा नाम क्या है? कुरतुलन हैदर का मशहूर नाविल जो 1959 ईस्वी में शाया हुआ, जिसका उन्वान जिगर मुरादाबादी के शेर का एक टुकड़ा है। इस नाविल के अंदर 101 अबवाब शामिल हैं और इसमें 4 मरकजी किरदार हैं। पहला किरदार है गौतम, दूसरा है हरिशंकर, तीसरा है चंपा और चौथा है कमाल। कमाल जिसका पूरा नाम है ऑप्शन ए अबू मंसूर कमालुद्दीन। सवाल नंबर 12, हम में बाकी नहीं अब खालिद जाबाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज शिराज का रंग, ये शेर किसका है? ये शेर है एक ऐसे शायर का जिनकी पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई और उनका इंतकाल 1921 ईस्वी में हुआ। ये शेर अकबर इलाहाबादी की नज़्म बरके कलीसा से अक्स किया गया है, बरके कलीसा जिसके अंदर 29 अशार हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 13, कालिदास की लाजवाल तहकीक तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा किसने किया था? कालिदास मिर्ज़ा कासिम अली जवा, जिनका असल नाम हुसैन अली खां था और जवा इनका तखल्लुस था, इन्होंने 1801 ईस्वी में कालिदास की नाटक शकुंतला का तर्जुमा ब्रज भाषा से उर्दू में किया था। इसके अलावा इन्होंने सिंहासन बत्तीसी का भी ब्रज भाषा से उर्दू में तर्जुमा किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिर्ज़ा कासिम अली जवा। सवाल नंबर 14, गैर हैरत है खबर इस आईन रूह की किसे, राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज़ है, ये किसका शेर है? ये तो शेर है वली औरंगाबादी का, जिनकी पैदाइश 1665 ईस्वी और इंतकाल 1720 ईस्वी को हुआ। सवाल नंबर 15, आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तख्लीक है? आगा हश्र और उर्दू ड्रामा 8 अबवाब पर मुश्तमिल है और ये है अंजुमन आरा अंजुम की किताब। अंजुमन आरा अंजुम जिन्होंने आगा हश पर सबसे ज़्यादा काम किया है, इनकी दूसरी किताब है फिक्रो आगही, आगा हश्र कश्मीरी और आगा हश कश्मीरी नुमाइंदा ड्रामे वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंजुमन आरा अंजुम। सवाल नंबर 16, धरती की ये बेटियाँ मर्द को तो यूँ समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है, न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं, ये इक्तबास राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से लिया गया है? राजेंद्र सिंह बेदी जिनकी पैदाइश
1915 ईस्वी को और इंतकाल 1984 ईस्वी को हुआ, जिन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखकर शुरू किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपने दुख मुझे दे दो। सवाल नंबर 17, नज्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? आदमी नामा नज्म है एक ऐसे शायर की जिसे अवामी शायर का तमगा हासिल हुआ है, जिनकी पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में और इंतकाल 1830 ईस्वी को आगरा में हुआ। आदमी नामा जिसके अंदर 18 बंद है और इसकी जो हैयत है वह है ऑप्शन बी मुखम्मस। इसका एक बंद फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहता था बरमला, ये बात है समझने की आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो वो है वो भी आदमी। ये शेर ये बंद मैंने इसलिए पढ़ा कि इसके अंदर जो सनत है वो तलमी इस्तेमाल की गई है। तलमी जब किसी तारीखी वाक्य के अंदर किसी वाक्य मशहूर वाक्य का जिक्र किया जाता है तो वहाँ तलमी होती है। सवाल नंबर 18, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने किस हैयत में मरसिए कहे हैं? तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मीर अनीस और मीर मिर्ज़ा दबीर ने जो मरसिए कहे हैं उसकी हैयत है ऑप्शन नंबर 3 मुसद्दस। मुसद्दस जिसके एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 19, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ, ये किसका शेर है? ये शेर है एक ऐसे शायर का जिनकी पैदाइश 1846 ईस्वी में और इंतकाल 1927 ईस्वी में हुआ, जिनका पहला शेरी मजमुआ है नगमाए इल्हाम और उसके बाद खानाए इल्हाम वगैरह, इनके मशहूर मजमुए के नाम हैं। तो हमारी मुराद है ऑप्शन नंबर 3 शाद अजीमाबादी। सवाल नंबर 20, दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई थी? बोस्तान ख्याल एक फ़ारसी दास्तान है जिसको मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने मोहम्मद शाह के अहद में लिखा था। ये दास्तान 15 जिल्दों पर मुश्तमिल है और ये अमीर हमज़ा के जवाब में लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। सवाल नंबर 21, जेल में दर्ज मुसन्निफीन में से काशिफुल हकाइक किसकी तसनीफ़ है? काशिफुल हकाइक तसनीफ़ है एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे मुसन्निफ़ की जिनकी पैदाइश 1849 ईस्वी को बिहार में और इंतकाल भी बिहार ही में 1933 ईस्वी में हुआ। इनका असल नाम सैयद इमदाद असल नवाब था। काशिफुल हकाइक जिसे बहारिस्ताने सुखन के नाम से भी जाना जाता है, ये ऐसी वाहिद किताब है जिसमें शायरी का रिश्ता इल्म हैवानात, इल्म ज़रात और दीगर उलूम से जोड़ा गया है। ये किताब 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसके मुसन्निफ हैं इमदाद इमाम असर। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 इमदाद इमाम असर। सवाल नंबर 22, अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक के बाज़ वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता, यह किसका इक्तबास है? ये इक्तबास है मौलवी अब्दुल हक के खाके नाम देवमाली का। मौलवी अब्दुल हक जिनकी पैदाइश 1870 ईस्वी को और इंतकाल 1961 ईस्वी में हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 23, पिला आतिशे आब पीरी मुगा के भूले मुझे गर्म 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 सरदो जहां, इस शेर से सहरुल बयान के किस बाब का आगाज़ होता है? सहरुल बयान जो मीर हसन की मायानाज तसनीफ है, मीर हसन जिनकी पैदाइश 1737 ईस्वी में और इंतकाल 1786 ईस्वी में हुआ, मीर हसन जिन्होंने 12 मसनवें लिखी हैं और मसनवी सहरुल बयान उनकी 1784 ईस्वी की आखिरी मसनवी शुमार की जाती है। और ये जो शेर है ये जो शुरू होता है वो शुरू होता है ऑप्शन ए दास्तान हमाम के नहाने की लताफत में। सवाल नंबर 24,
वरूद मसूद के आठवें बाप का उन्वान क्या है? वरूद मसूद मसूद हुसैन खां की खुश नविश सवाने हैं और ये किताब 17 अबवा पर मुश्तमिल है। आठवें बाप का उन्वान है मुझे वो दरसे फरंग आज याद आते हैं। इनकी दूसरी किताबें हैं मुकदमा तारीख़ ज़बाने उर्दू, उर्दू का अलमिया वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दयारे फरंग। सवाल नंबर 25, कुल्लियात गालिब फारसी की 11 मसनविया को उर्दू ज़बान में किसने मुंतकिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ज़ोए अंसारी। सवाल नंबर 26, लुत्फगर यह है बता संदल पेशानी का, दर्ज ज़ेल मिसरों में से सही मिसरे की मदद से मतला मुकम्मल कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हुस्न क्या सुबह के फिर चेहरे नूरानी का। सवाल नंबर 27, तजी के रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें अज़ाय तरकीबी की तादाद 4 होती है, तशबीब गुरेज मदह और दुआ। कसीदा 2 किस्म का होता है, अव्वल खिताबिया दूसरा तमहीदिया। इसके बाद फिर इन्हें 2 अकसाम में तकसीम करते हैं मदहिया और हिजविया। ऐसा कसीदा जिसके अंदर किसी की तारीफ की जाए उसे मदहिया कसीदा कहा जाता है और ऐसा कसीदा जिसके अंदर किसी की हुजू की जाए उसे हिजविया कसीदा कहा जाता है। तजी के रोज़गार जो है यह है एक हिजविया कसीदा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हिजविया। सवाल नंबर 28, इम्तियाज़ अली ताज की मौत किस तरह हुई थी? इम्तियाज़ अली ताज जिनकी पैदाइश 1900 ईस्वी को हुई थी और एक ये एक मारूफ ड्रामा निगार हैं जिनका मशहूर ड्रामा है अनारकली जो इन्होंने 1922 ईस्वी में लिखा था। इसके अलावा पृथ्वीराज जहां आरा रोशन आरा वगैरह इनके मशहूर ड्रामों के नाम हैं। इनकी मौत 1977 ईस्वी को कत्ल करने की वजह से हुई थी, इन पर कातिलाना हमला किया गया था जिससे इनकी मौत हो गई। तो सही जवाब है ऑप्शन सी इनको कत्ल किया गया। सवाल नंबर 29, मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शोरा का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता? असदुल्ला मुल्ला वजी जिनकी पैदाइश 1566 ईस्वी को और इंतकाल 1659 ईस्वी को हुआ। मुल्ला वजी ने 1018 हिजरी मुताबिक 1609 ईस्वी में गोलकुंडा की पहली तबजाद मसनवी कुतुब मुश्तरी लिखी और इसमें इन्होंने ज़िक्र किया है ऑप्शन नंबर बी फिरोज़ और महमूद का। फिरोज़ और महमूद जो उस दौर के मशहूर शायर थे। सवाल नंबर 30, दिल यतीमों का शीशे से नाजुक, बात कहते में फूट जाता है, दिल पिदरे मर्दों का हबाबे नमन, मारते फूक टूट जाता है, ये अशार किस किताब में दर्ज किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 करबल कथा। ये अशार करबल कथा जिसके अंदर अभी जिक्र हुआ 12 मजलिसें हैं और ये अशार 11वें मजलिस यानी कि हज़रत असगर की शहादत से मुतालिक मजलिस से लिए गए हैं। सवाल नंबर 31, मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदान कोई नहीं, वो जो घर में हुकूमत कर सकती है मुल्क में भी राज कर सकती है, तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हरबे जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई शख्सियत यहाँ तक के तखय्युल तक को गज़्ब कर लेती हैं कोई अहमियत ही नहीं रखते? दर्ज बाला इक्तबास किस नावल से माखूज है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर जो इसमत चुगताई का एक नावल है जो उन्होंने 1945 ईस्वी में शाया किया था। इस नावल में 3 मंजिलें हैं यानी कि इस नावल को 3 मंजिलों में तकसीम किया गया है। सवाल नंबर 32, नईमा सालहा और फहमीदा किस नावल के किरदार हैं? नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के अनासिर खमसा में होने के साथ साथ अव्वली नावल निगार के तौर पर भी किया जाता है। नज़ीर अहमद जिनकी पैदाइश 1830 ईस्वी को और इंतकाल 1913 ईस्वी को हुआ था, इनके पहला नावल है मरातुल उरूस जो 1869 ईस्वी में लिखा गया, तौबतुन्नसु
इनका एक और नावल है जो 1874 इसमें लिखा गया। इसके अंदर जो किरदार हैं वह है नसू, नसू की अहलिया फहमीदा, उसका बड़ा बेटा कलीम, उसका छोटा बेटा अलीम और सबसे छोटा बेटा सलीम। नईमा बड़ी लड़की है, हमीदा छोटी लड़की है और सालहा इनकी खालाजाद बहन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तोबतुन नसू। सवाल नंबर 33, गर्ज के ये ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैद को जो कुछ कामयाबी हुई वो सिर्फ इस वजह से हुई कि इनकी कोशिशें ज़माने के मतकाजे के मुताबिक थीं। ये बात किस किताब से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हयात जावेद। हाल ही ने 1901 ईस्वी में हयात जावेद के नाम से सर सैद की सवाने उम्र लिखी थी, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। और इस किताब पर तनकीद करते हुए अल्लामा शिबली नौमानी ने यह कहा था, हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब कहकर पुकारा था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, हयात जावेद। सवाल नंबर 34, उर्दू के दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा होने का नज़रिया किसने पेश किया था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनका नज़रिया है उर्दू ब्रजभाषा से निकली है, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, जिनका नज़रिया इनसे मुख्तलिफ है, और मसूद हुसैन खान, जिनका नज़रिया दिल्ली और नवाहे दिल्ली से मुतालिक है। इन्होंने लिखा है कि नवाहे दिल्ली की बोलियाँ उर्दू का असल मुंबा है और हज़रत दिल्ली इसका हकीकी मौलिद व मंशा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मसूद हुसैन खां। सवाल नंबर 35, बारिश हुई, किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी, कितनी मसरत थी, इस दिन मसरत का जाम गोया छटका पड़ता था, ज़मीन की जिसे प्यासी ही न थी, प्यास से किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंद नहीं अशरफिया बरस रही हों। ये इक्तबास किस नावेल से अक्स किया गया है? 1936 ईस्वी में प्रेमचंद का नावेल गोदान के नाम से मंजरे आम पर आया। ये पहली बार 1936 में हिंदी में और 1937 में उर्दू ज़बान में शाया हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गोदान। सवाल नंबर 36, ज़ौक के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक, जिनकी पैदाइश 1789 ईस्वी में हुई थी और इनका वफात 1854 ईस्वी में हुई। इनकी वफात के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने जो अपना उस्ताद मुकर्रर किया था वो किया था ऑप्शन नंबर 2, मिर्ज़ा गालिब को। सवाल नंबर 37, फ़न की नज़र से उनकी शायरी में नकाइस हैं, तखयल की नज़र से तरह तरह की नाहमवारियाँ हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नज़ीर अकबर आबादी। सवाल नंबर 38, तनकीद और अदब में नागुरेज रब्त है, तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर यह सांस नहीं ले सकती, ये किस नाकिद का बयान है? तो ये बयान है एक ऐसे नाकिद का जिनकी पैदाइश 1908 ईस्वी में पटना में और इंतकाल 1983 ईस्वी को हुआ, जिन्होंने अपनी मायानास किताब उर्दू तनकीद पर एक नज़र जो 1956 ईस्वी में शाया हुई इन ख्यालात का इजहार किया। हमारी मुराद है ऑप्शन नंबर 2, कलीम उद्दीन अहमद। सवाल नंबर 39, वाल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तासुराती। तासुराती तनकीद के अहम नकाद न्याज फतेहपुरी हैं। सवाल नंबर 40, दर्ज ज़ेल नज़्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनकी पैदाइश पानीपत में हुई, मखदूम मुहिद्दीन कादरी ज़ोर दक्कन में पैदा हुए, साहिल लुधियानवी लुधियाना में पैदा हुए, नज़ीर अकबर आबादी, जिनकी पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नज़ीर अकबर आबादी। सवाल नंबर 41, ये स्कीम निज़ाम सक्के के वक्त से चली आती है, लेकिन मुसीबत यह है कि अपने हाथ के लिखे हुए अहम मुसविदात बास तो तल्फ हो चुके हैं और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत वक्त दिक्कत पेश आ रही है, ये इक्तबास किस मजमून का है? पितरस बुखारी,
जिनकी पैदाइश 1898 ईस्वी को और इंतकाल 1958 ईस्वी को हुआ। ये इकतबास है मज़ामीन पितरस में शामिल लाहौर का जोग्राफिया से। मज़ामीन पितरस जिसके अंदर 11 मज़ामीन हैं। सही जवाब ऑप्शन बी लाहौर का जोग्राफिया। सवाल नंबर 42, मशरकी शेरियात में जेल के नाकिदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 शबीउल हसन। सवाल नंबर 43, यूँ तो मैं अक्सर आपकी आवाज़ सुना करती थी मगर कभी बुलाने की जुरात ना हुई होगी, मगर आज आपकी गज़ल ने बेचैन कर दिया, बेसाख्ता मुँह से वाह निकल गया। इधर किसी साहब ने कहा यहाँ आइए, मैं अपनी जगह पर आप ही शर्मिंदा हुई, जी मैं आया चुप रहूं मगर दिल ना माना। ये इकतबास किस नाविल से माखूज है? मिर्ज़ा हादी रसुआ का शुमार नाविल निगारों की फहरिस्त में होता है जिनका शाहकार नाविल उमराव जान अदा है जो 1899 ईस्वी में लिखा गया। इस नाविल के अंदर बयान तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और ये नाविल 25 अबवाब पर मुश्तमिल है और इस नाविल का जो इख्तिताम होता है वो शेर पर होता है, मरने के दिन करीब है शायद ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी सैर हो गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उमराव जान अदा। सवाल नंबर 44, किस अदीब की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई थी? अबुल कलाम आज़ाद जिनकी पैदाइश 1888 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में और इंतकाल 1958 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 45, आलम आबो खाक में तेरे जहूर से फरोग, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमोद, फिक्रे जुनै फ़कीरो जुनैदो पबा यजीद तेरा जमाले बेनकाब। ऊपर दिए हुए शेर इकबाल की किस नज़्म से लिए गए हैं? अल्लामा इकबाल जिनकी पैदाइश 1877 ईस्वी को और इंतकाल 1938 ईस्वी में हुआ, ये नज़्म इकबाल के दूसरे शेरी मजमे बाले जबरील में शामिल है। अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म के अक्सर अशार फ़िलिस्तीन में लिखे थे। इस नज़्म के अंदर 13 अशार हैं और हमारी मुराद है इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2 ज़ौक़ो शौक़। सवाल नंबर 46, इब्ने इंशा ने फिलिपाइन का सफ़र किस सन में किया था? इब्ने इंशा जिनकी पैदाइश 1927 ईस्वी में और इंतकाल 1978 ईस्वी में हुआ, इब्ने इंशा जिनका पूरा नाम शेख मोहम्मद खान और तखलुस इंशा था, इन्होंने दिसंबर 1972 ईस्वी को फिलिपाइन का सफ़र किया था। यह उनके सफ़रनामे इब्ने बतूता के ताकुब में शामिल उन्वानात का एक टुकड़ा है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2 1972 ईस्वी। सवाल नंबर 47, जम्मू जेट यानी बोइंग 747 में जगह बहुत होती है, अंदर से ये जहाज़ नहीं दीवान खाना बल्कि सिनेमा हॉल नज़र आता है, इस फर्क के साथ कि वहाँ लोग फेंटे बांधे कोका कोला और मूंगफली बेचते दिखाई देते हैं, यहाँ शाइस्ता और मेहरबान भी बयाब आप पर हज़ार जान से ना सही मरवत से मुस्कराहटों का छिड़काव करती गुजरती हैं, ये बात किस किताब से माखूज है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इब्ने बतूता के ताकुब में। सवाल नंबर 48, ये सच नहीं है, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने शहनशाह से मोहब्बत ना करता हो? ये मकालमा किस ड्रामे का हिस्सा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिनकी पैदाइश 1926 ईस्वी को और इंतकाल 2010 ईस्वी में हुआ, तनकीद निगार के साथ साथ एक आला किस्म के ड्रामा निगार भी हैं। जहाक नाम का ड्रामा जो 1980 ईस्वी को शाया हुआ और ये ड्रामा एमरजेंसी के हालात से मुतासिर होकर लिखा गया, इसमें बादशाह जहाक अपनी माशू का नौशाबा से ये बात कहता है और इस ड्रामा की शुरुआत होती है इस सुर्खी के साथ, इंसानों के भेजों पर ज़िंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी। आगरा बाज़ार
हबीब तन्नू का ड्रामा 1954 में शाया हुआ। अनारकली इम्तियाज अली ताज का ड्रामा 1922 इसमें शाया हुआ। यहूदी की लड़की आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा 1910 इसका साल इशा है। सवाल नंबर 49, बुरे उन पे वक्त आके पड़ने लगे, अब वो दुनिया में बस कर उजड़ने लगे, अब भरे उनके मेले बिछड़ने लगे, अब बने थे वो जिसे जैसे बिगड़ने लगे, अब हरी खेतियाँ जल गईं लहलहा कर, घटा खुल गई सारे आलम पे छा कर, इस बंद के खालिक कौन है? इस बंद के खालिक हैं एक ऐसे शायर जिनकी पैदाइश 1837 ईस्वी और इंतकाल 1914 ईस्वी को पानीपत में हुआ। आप पहुंच गए होंगे हमारे इशारे तक। हाल ही ने 1879 ईस्वी में मुसद्दस मदो जजरो इस्लाम के नाम से एक किताब तसनीफ की थी, जिसे मुसद्दस हाली के नाम से भी जाना गया। इस किताब में मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का खाका पेश किया गया है और ये बंद मुसद्दस हाली के अंदर शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 50, सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए के खिलिया कमल पानी लिए, ये शेर किस मसनवी के अंदर शामिल है? मसनवी कुतुब मुश्तरी जो 1018 ईस्वी यानी कि 1609 ईस्वी में लिखी गई थी, मुल्ला वजी ने ये लिखी थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुतुब मुश्तरी। फूलबन इब्ने निशाती की तसनीफ है 1665 ईस्वी या 1066 1655 ईस्वी या 1066 ईस्वी इसका साले तसनीफ है। तोतीनामा और सैफुल मुल्क व बदरुद्दीन जमाल ये गब्बासी की मसनविया हैं। तोतीनामा 1679 ईस्वी 39 ईस्वी या 1049 हिजरी में लिखी गई और सैफुल मुल्क व बदरुद्दीन जमाल 1035 हिजरी या 1625 ईस्वी में लिखी गई। सवाल नंबर 51, दर्ज ज़ेल मुहक्किकीन में से किसने गालिब का दीवान मुरतब किया है? गालिब का दीवान मुरतब किया है एक ऐसे मुहक्किक ने जिनकी पैदाइश 1904 ईस्वी को रामपुर में और इंतकाल 1981 ईस्वी को हुआ और इन्होंने दीवान गालिब नुस्खाए अर्शी 1958 में तरतीब दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी। सवाल नंबर 52, इंद्र सभा और इंद्र सभाएँ किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इब्राहिम यूसुफ। सवाल नंबर 53, बागो बहार में पहला दरवेश किसका बेटा है? बागो बहार में जो पहला दरवेश है वह है ख्वाजा अहमद का बेटा। ख्वाजा अहमद जो के बाशिंदे हैं यूनान के, यानी कि पहला जो दरवेश है वो यूनान का रहने वाला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ख्वाजा अहमद। सवाल नंबर 54, महजब कौमों की पैरवी किसका मजमून है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद। सर सैयद अहमद खान जिनकी पैदाइश 1817 ईस्वी और इंतकाल 1898 ईस्वी को हुआ। सवाल नंबर 55, सौदा की नज़मों का तजज़िया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े माशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है, ये किसका बयान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एहतिशाम हुसैन। एहतिशाम हुसैन जो तरक्की पसंद नक्काद हैं और इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी को और इंतकाल 1972 ईस्वी को हुआ। सवाल नंबर 56, आले अहमद सुरूर की किस सन में इंटरनेशनल ओरिएंटेशन कांग्रेस के अजलास में शिरकत के लिए मास्को गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1960 ईस्वी में। आले अहमद सुरूर जिनकी पैदाइश 1912 ईस्वी को और इंतकाल 2002 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 57, ऐसा बादशाह सल्तनत पनाह के ज़माने अयालत और सरफराजी और अनाने अदालत व बंदा नवाजी पेश मुल्क हिंदुस्तान के कफ किफ़ायत और कब्ज़ाए दरायत इसके में आई और तलियाए सिपाह ओस के इसके ने जिस तरफ मुंह देखा या सुबह इकबाल मतला रोमानी ओमाल से ताले होना
मुंह दिखलाए। ये इबारत किस किताब से अख्ज़ की गई है? तो ये किताब, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, करबल कथा। करबल कथा फजल अली फजली की जो एक किताब है, और इसे जो सबसे पहले मरतब किया था, तस्नीफ़ दिया था, वो दिया था डॉक्टर ख्वाजा अहमद फारूकी ने अपने मुकदमे के साथ। करबल कथा जिसके अंदर 12 मजलिसें हैं, और अक्सर ये मालूम किया जाता है कि फला मजलिस किस से मंसूब है, किस से है। तो इसके अंदर 12 मजलिसें हैं। पहली मजलिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस से मुतालिक है, दूसरी मजलिस हज़रत अली से मुतालिक है, तीसरी मजलिस उनकी अहलिया हज़रत फातिमा से मुतालिक है, और चौथी मजलिस उनके भाई हज़रत हसन से मुतालिक है। ये चार मजलिस जो हैं ये वाक़ करबला से मुतालिक पहले की हैं। इसके बाद छठी मसलिम मजलिस जो है, जब ये हज़रत मुस्लिम कुफा आए थे और उन्हें वहाँ शहीद कर दिया गया, तो ये पांचवी मजलिस जो है वो मुस्लिम की है। मुस्लिम जिनके साथ इनके दोनों बच्चे भी आए थे, और उनकी शहादत के बाद इनके दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। तो छठी मजलिस जो है वो तिफलान मुस्लिम यानी मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चों की शहादत से मुतालिक है। इसके बाद जब करबला के अंदर जंग शुरू होने से पहले जो हज़रत हुर थे उन्हें हिदायत नसीब होती है, और सातवीं मजलिस हज़रत हुर की शहादत से मुतालिक होती है। इसके बाद कासिम इब्ने हसन, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे जो थे कासिम, वो मैदान जंग में आते हैं और वहाँ शहीद हो जाते हैं, और इसके बाद अब मार कार्रवाई शुरू होती है, और हज़रत अब्बास अलमदार मैदान जंग के अंदर आते हैं और बहादुरी के साथ शहीद हो जाते हैं। इसके बाद अली अकबर शहीद होते हैं, जो दसवीं मजलिस बनती है। इसके बाद छोटा सा बच्चा अली असगर शहीद होता है, जो ग्यारहवीं मजलिस का उनवान बनता है, और आखिर में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाम शहादत नोश फरमाते हैं, और इसी पर बारहवीं मजलिस पर इसका करबल कथा का इख्तिताम हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, करबल कथा। तो इसके अंदर जो 12 मजलिसें हैं, 4 मजलिसें करबला से पहले की हैं, और 4 मजलिसें करबला के अंदर जो इनका काफिला था, जो इनके साथ लोग आए थे, उनसे पहले जो 3 मजलिसें उनकी शहादत की हैं, और बाकी जो ही हैं 5 मजलिसें आखिर की, ये करबला में जो इनका काफिला आया था उनसे मुतालिक है। सवाल नंबर 58, अलउमदा किसकी तसनीफ़ है? अलउमदा तसनीफ है इब्ने रशीद की, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इब्ने रशीद ने शेर की इमारत 4 चीज़ों से बताई थी, नंबर 1 लफ्ज़, नंबर 2 वज़न, नंबर 3 मानी, और नंबर 4 काफिया। और ये बात इसने अपनी किताब अलउमदा में कही थी। कई मरतबा ये सवाल मालूम किया गया है कि इब्ने रशीद ने शेर के लिए कितनी चीज़ें लाजिम बताई हैं। सवाल नंबर 59, उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है? ये किताब है एक ऐसे अदीब की जिनकी पैदाइश 1935 ईस्वी में और इंतकाल 2020 ईस्वी में हुआ। ये किताब इन्होंने 1977 ईस्वी में लिखी थी, और इस किताब का इंतसाब मीर सैयद अब्दुल कादिर और के नाम और इनकी बेटी के नाम किया था, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वह हैं शमशुर रहमान फारूकी। ऑप्शन बी सही जवाब। सवाल नंबर 60, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश किस शहर में हुई थी? मिर्ज़ा दबीर जिनका पूरा नाम सलामत अली था, और दबीर इनका तखल्लुस था, इनकी पैदाइश 1803 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी, और इंतकाल 1875 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। सवाल नंबर 61, तर्जुमा निगारी का फ़न किसकी मरतब करदा किताब का नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कमर रईस। कमर रईस ने यह किताब 1976 ईस्वी में लिखी। सवाल नंबर 62, कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? कता इस नज्म को कहते हैं जो एक मजमून पर मुश्तमिल हो। इसमें कम से कम 2 शेर यानी 4 मिसरे होते हैं, और ज़्यादा की कोई कैद नहीं होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 मिसरे। सवाल नंबर 63, मसनवी गुलजार नसीम में बुकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? पंडित दयाशंकर नसीम जो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन ख्वाजा आतिश के शागिर्द थे, इन्होंने 1254 हिजरे मुताबिक 1839 ईस्वी में गुलजार नाम की एक इश्किया मसनवी लिखी थी, जो 1844 ईस्वी में पहली बार शाया हुई थी। गुलजार नसीम मज़हब इश्क का तर्जुमा है। मज़हब इश्क तर्जुमा है इज़्ज़तुल्लाह बंगाली के किस्सा ए चाह बुकावली का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हुस्न आरा। हुस्न आरा जो बुकावली की खाला है वो इसका पैगाम लेकर जाती है। तस्किरा चमनिस्तान शोरा किसने मुरतब किया था? तस्किरा
चमनिस्तान शोरा ये लक्ष्मी नारायण शफी का तस्करा है, जिसमें बाब अलिफ से लेकर बाब गैन तक शोरा का जिक्र किया गया है। और इसे जो तरतीब दिया था, मरतब किया था, वो किया था मौलवी अब्दुल हक ने। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 65, आब हयात में मीर खली का बयान किस दौर के तहत किया गया है। आब हयात जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मायानास तसनीफ़ है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिनकी पैदाइश 1830 ईस्वी में और इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने 1880 ईस्वी में आब हयात लिखी, जिसको इन्होंने 5 अदवार में तकसीम किया है। पहले दौर के अंदर 6 शोरा का जिक्र, दूसरे में 3 का, तीसरे में 7 का, चौथे में 4 का और पाँचवें में 9 शोरा का जिक्र किया गया है। मीर मुस्तहसन खली का जिक्र पाँचवें दौर में किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाँचवा दौर। इसे याद करने के लिए ये कोड आप याद रखिएगा 63749। सवाल नंबर 66, मसनवी गुजारे नसीम में बुकावली जमीला के साथ रूह अफजा की खबर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 7 दिन के बाद। सवाल नंबर 67, आजकल यूरोप में शायर के कमाल का अंदाज़ा इस बात से भी लगा किया जाता है कि इसने उर्दू शुरा से किस कदर ज़्यादा अल्फाज खुश सलीकगी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किए हैं, ये किसका कॉल है। तो ये कॉल है अल्ताफ़ हुसैन हाली का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 3, रुबाई किस बहर में कही जाती है। रुबाई इस सिंफ का नाम है जिसमें 4 मिस्रों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। रुबाई जिसका पहला, दूसरा, चौथा मिस्रा हम काफिया और हम रदीफ होता है और इसके लिए एक बहर बहरे हजज मखसूस की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, बहरे हजज। रुबाई एक जो अनीस की है, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप देखेंगे पहले, दूसरे और चौथे मिस्रा हम रदीफ काफिया है। दुनिया अजब सराय पानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। पहले मिस्रे के अंदर देखी, दूसरे के मिस्रे में देखी और चौथे में देखी। तो ये ऐसी रुबाई जिसका पहला, दूसरा और तीसरा मिस्रा, चौथा मिस्रा हम रदीफ काफिया होता है, उसे खस्सी रुबाई कहते हैं। सवाल नंबर 69, सलामती किस नाविल का किरदार है। राजेंद्र सिंह बेदी ने वाहिद नाविल लिखा है जिसका नाम है एक चादर मैली सी, जो 1960 ईस्वी में रिसाला नकोश में शाया हुआ था और 1962 में किताबी शक्ल में मंजर आम पर आया था। एक चादर मैली सी में 11 अबवाब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एक चादर मैली सी। सवाल नंबर 70, जेल में से कौन सी किताब शिबली नोमानी की है। शिबली नोमानी जिनकी पैदाइश एक जंग अजीम यानी 1857 ईस्वी में और इंतकाल दूसरी जंग अजीम यानी 1914 ईस्वी को हुआ था, इनकी किताब जो है वह है अलफारूक, अलगजाली, अलमामून, सीरतुलनबी, सीरतुलनुमान, शेरुल अजम। शेरुल अजम इसके अंदर नाम आया है, शेरुल अजम जो 5 जिल्दों में मुश्तमिल है। 4 जिल्दें शिबली की ज़िंदगी में शाया हो गई थी और 5वीं जिल्द उनके इंतकाल के बाद 1918 ईस्वी में शाया हुई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, शेरुल अजम। सवाल नंबर 71, दुनिया हैरा हो गई है, इस मिसरे अव्वल की निशानदेही जेल के मिसरों में से कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आईना दिखा दिया किसी ने। सवाल नंबर 72, गालिब की फारसी मसनवी चिराग देर का मंजूम तर्जुमा किसने किया है। चिराग देर 1968 ईस्वी में शाया हुई थी और इसका तर्जुमा किया है हनीफ़ अहमद नकवी ने। हनीफ अहमद नकवी जिनकी पैदाइश 1933 ईस्वी में और इंतकाल 2011 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने इसका चिराग देर का जो तर्जुमा किया है वो किया है 2005 ईस्वी में, मंजूम तर्जुमा। सवाल नंबर 73, फूलमती प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है। वारदात प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है जिसमें 13 अफसाने शामिल हैं। बदनसीमा प्रेमचंद का अफसाना है जो वारदात में शामिल है। पंडित अयोध्यानाथ की पत्नी का नाम है फूलमती।
और इनके चार लड़के होते हैं। एक का नाम होता है बड़े बेटे का नाम कामतानाथ, दूसरे का होता है उमानाथ, तीसरे का होता है दयानाथ और चौथा लड़का है उसका है सीतानाथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, बदनसीब माँ। सवाल नंबर 74, इस मजमू की इशात एक तरह के एतराफ़ से शिकस्त है, शायद ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हों। किस शायर ने यह बात अपने मजमू कलाम के बारे में लिखी है? तो ये बात लिखी है एक ऐसे शायर ने जिनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में और इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ, जो बहुत कर्नल के अहम अहदे पर फाइज रहे, और नक्श फरियादी इनका पहला शेरी मजमुआ है जो 1941 ईस्वी में शाया हुआ था। इसमें शामिल नज़में हैं तन्हाई, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग वगैरह। इस मजमू की तमहीद में फैज़ ने ये बात कही थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 75, फिराक अवलन किस शायर से मुतासिर हुए थे? फिराक जिनका असल नाम रघुपति सहाय और तखल्लुस फिराक था, जिनकी पैदाइश 1896 ईस्वी को और इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ था। ये अपने इब्तदाई दौर के अंदर जो मुतासिर हुए थे सबसे पहले वह है ऑप्शन नंबर 2, अमीर मिनाई। सवाल नंबर 76, नज़रे खल्क से छुप सकते नहीं अहले सफ़ा, तह दरिया से भी जा ढूंढ निकाला गौहर, कोर बातिन को हो क्या जो हर दानिश को शनाख, के परखता नहीं जज़्र दीदाए मीना गौहर। कसीदे के ये अशार किस शायर के हैं? तो ये अशार हैं ऑप्शन नंबर 2, ज़ौक के। सवाल नंबर 77, मलका शमशुद ताजदार और मलका नौबहारी गुलशन अफरोज किस दास्तान के किरदार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोस्तान ख्याल। बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है जो अमीर हमजा के जवाब में लिखी गई थी और ये 14 सालों में मुकम्मल हुई थी। मलका शमशुद ताजदार मलिका हैं और नौबहार ये शहजादा है, गुलशन अफरोज ये एक बेगम का नाम है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3, बोस्तान ख्याल। सवाल नंबर 78, नाविल उमराव जान अदा में उमराव, खुर्शीद, अमीर जान और बिस्मिल्लाह जब सावन के महीने में लगने वाले ऐश बाग के मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वो कौन सा दिन था? तो वो दिन था जुमे का दिन। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, जुमा। सवाल नंबर 79, गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शकीलुर रहमान आज़मी, जो इन्होंने 1969 ईस्वी में शाये हुई थी। इसका इंतसाब शकीलुर रहमान आज़मी ने खुद अपने नाम किया है। सवाल नंबर 80, जेल में से किस शायर ने सिनफ़े रिश्ती में तबाह आजमाई नहीं की थी? ख्वाजा मीरदाद जिनकी पैदाइश 1721 ईस्वी और इंतकाल 1785 ईस्वी में हुआ, एक सूफ़ी शायर के तौर पर माने जाते हैं जो पूरी ज़िंदगी दिल्ली को छोड़कर कहीं नहीं गए और ना ही किसी बादशाह के यहाँ इन्होंने इस तरह के कसीदा, रुबाई या मर्सिया वगैरह नहीं लिखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा मीर दर्द। सवाल नंबर 81, चमन में आज नसीमे बहार आ पहुँची, नवेद निखत गुल बेशुमार आ पहुँची, सदाए कमरी व सूरत हज़ार आ पहुँची, जिनों की फौज की दिल पर पुकार आ पहुँची, हज़ार शुक्र के फसले बहार आ पहुँची। ये बंद किस शेरी हैयत में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर 3, मुखम्मस में। मुखम्मस जिसके अंदर जिसमें ऐसी नज़्म जिसके एक बंद में 5 मिसरे होते हैं उसे मुखम्मस कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, मुखम्मस। सवाल नंबर 82, दिल गया रुसवा हुए आखिर को सादा हो गया, इस दो रोज़ा जीस्त में हम पर भी क्या क्या हो गया, ये किसका शेर है? तो ये शेर है एक ऐसे शायर का जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी को आगरा में हुई और उनका इंतकाल 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। जी हाँ, आप बखूबी वाकिफ़ हो गए। हमारी मुराद है ऑप्शन नंबर 2, मीर तकी मीर।
सवाल नंबर 83, वो दिन भर घर में तन्हा पड़ी रहेगी, किसी से हंसेगी, किससे बोलेगी, ये सोचकर इसका दिल लरज जाता। जो जो वक्त करीब आता था, इसके हवास मअत्तल होते जाते थे। वो काम करते करते जैसे खो जाती थी और टकटकी बांधकर किसी चीज़ की तरफ देखने लगती थी। ये इकतबास प्रेमचंद के किस कहानी से लिया गया है? जैसा कि अभी जिक्र हुआ, वारदात प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है जिसके अंदर 13 अफसाने शामिल हैं। पहला अफसाना है शिकवा शिकायत, दूसरा अफसाना मासूम बच्चा, तीसरा अफसाना बदनसीब माँ, चौथा अफसाना शांति, पांचवा अफसाना रोशनी, छठा अफसाना मालकिन, सातवा अफसाना नई बीवी, आठवां अफसाना गिल्ली डंडा, नवा अफसाना स्वांग, दसवा अफसाना इंसाफ की पुलिस, ग्यारहवा अफसाना गमे निदाई बर बखैर, बारहवा अफसाना मुफ्त करम दास्तान और तेरहवा अफसाना है कातिल की माँ। मालकिन जो इसी अफसाने के मजमे के अंदर शामिल है से ये इकतबास लिया गया है। मालकिन में जो है वह है शिवदास और उनका बड़ा बेटा है बिरजू जिसकी मौत हो जाती है। राम प्यारी जो इस अफसाने का एक मुतहरिक किरदार है और ये बिरजू की बेवा है। राम प्यारी इसकी छोटी बहन, राम दुलारी इसकी छोटी बहन है जिसके शौहर का नाम है मथुरा। तो सही जवाब ऑप्शन ए मालकिन। सवाल नंबर 84, मंदिरा जेल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसके अंदर जो दुरुस्त है वह है ऑप्शन नंबर 4, रेडियो फीचर में हकाइक पेश किए जाते हैं। सवाल नंबर 85, लिसानियत का यह अटल उसूल है कि बोलचाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान इसका साथ नहीं दे सकती, ये बयान किसका है? तो ये बयान है ऑप्शन नंबर 2, मसूद हुसैन खान का। मसूद हुसैन खान का ये बयान है और इनकी किताब है तारीख़ ज़बान उर्दू, जिसमें इन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है। सवाल नंबर 86, तफसीर गालिब के उनवान से दर्ज जेल में से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी है? ज्ञानचंद जैन, जिनकी पैदाइश 1923 ईस्वी को और इंतकाल 2007 ईस्वी में हुआ। इनकी किताबें हैं तसानीफ है, तफसीर गालिब जो 1971 ईस्वी में शाये हुई और इसका इंतजाम इन्होंने इम्तियाज़ अली खां अर्शी के नाम किया है। इनकी दूसरी किताब है रमूज़ गालिब और इसके बाद है तारीख अदब। सही जवाब ऑप्शन ए ज्ञानचंद जैन। सवाल नंबर 87, पिसर मजिस्ट्रेट का हिकायत किस दास्तान में शामिल की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फसाने अजाइब। फसाने अजाइब रजब अली बेग सुरूर की एक ऐसी तसनीफ है जो 1240 हिजरी मुताबिक 1824 ईस्वी में उन्होंने हकीम असद अली की फरमाइश पर लिखी थी और ये किताब इन्होंने बागो बहार के जवाब में लिखी थी। ये किताब पहली मरतबा 1843 ईस्वी में मंजर आम पर आई थी। इसके जो किरदार हैं वह हैं जाने आलम, माह तलत, मलका महल निगार, दिलाराम वगैरह। सही जवाब ऑप्शन 2, फसाने अजाइब। सवाल नंबर 88, ये मौज नफस क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज़े दरून हयात। खुदी क्या है? बेदारी ये कायनात। खुदी जलवा बदस्त व खलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद। ऊपर दिए हुए अशार अल्लामा इकबाल की किस नज़्म से लिए गए हैं? इकबाल जिनके चार शेरी मजमुए हैं, पहला है बांगे दरा 1924 ईस्वी, दूसरा है बाले जबरी 1935 ईस्वी, तीसरा है ज़रब कलीम 1936 ईस्वी और चौथा है अरमगाने हिजाज 1938 ईस्वी। तो बांगे दरा जिसके अंदर एक नज़्म है साकी नामा और ये जो अशार हैं ये साकी नामा के अंदर आए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, साकी नामा। सवाल नंबर 89, उर्दू इमला के नाम से एक मबूद और ज़खीम किताब किस मुहक्किक ने तरतीब दी है? तो ये तरतीब दी है एक ऐसे मुहक्किक ने जिन्होंने बहुत सारी मसनवियों को और दास्तानों को तरतीब दिया, उनका मतन लिखे तो, और इनकी पैदाइश 1925 ईस्वी में और इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ, जिन्हें खुदाय तदवीन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी किताब जो है उर्दू इमला वो 1972 ईस्वी की है। हमारी मुराद है ऑप्शन 2, रशीद हसन का। सवाल नंबर 90,
दर्ज ज़ेल कसाइद में से कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदह नहीं की गई। तो अभी शुरू के में जो सवाल कायम किए गए थे इस पे इस आज की वीडियो में, उसमें एक सवाल आया था तहज़ीब रोज़गार से ताल्लुक से। तहज़ीब रोज़गार जो एक हजवा कसीदा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 तहज़ीब रोज़गार, जो सौदा का एक कसीदा है। सवाल नंबर 91, गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुई। गुबार खातिर जो 24 खतूत पर मुश्तमिल है, यानी 24 खतूत का मजमुआ है, और ये तमाम खतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने दोस्त हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। ये खतूत किला अहमद नगर की किले की असीरी के ज़माने की यादगार हैं, और ये पहली मरतबा जो शाये हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मई 1946 ईस्वी में, जिसे हकीम अजमल खान ने शाये किया था। सवाल नंबर 92, कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे सूरज को गहन लगने लगा। इस शेर के तख्लीक कार कौन है। इस शेर के तख्लीक कार हैं एक ऐसे शायर जिनकी पैदाइश 1939 ईस्वी में और इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ। इनके शेरी मजमू के नाम हैं दरमियानी, इश्कनामा वगैरह। इश्कनामा जो 1997 ईस्वी में शाया हुआ, और उसी इश्कनामे के अंदर इनकी ये गज़ल शामिल है, और इनका नाम है ऑप्शन डी इरफान सिद्दीकी। सवाल नंबर 93, रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते थे। रानी केतकी की कहानी जो इंशा अल्लाह खान इंशा ने 1803 ईस्वी में लिखी थी, और ये दावा किया था कि इस दास्तान में अरबी फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है, जबकि अगर आप इस दास्तान की पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इंशा अल्लाह खान इंशा का ये दावा बिल्कुल गलत है। हालांकि ये एक तबेज़ात दास्तान है जो पहली बार 1933 ईस्वी में मौलवी अब्दुल हक ने किताबी सूरत में शाये कराई थी, और जो इसके अंदर जो किरदार हैं वह है उदय भान, सूरज भान, चंद्र भान, रानी लक्ष्मीबाज, राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता, रानी केतकी वगैरह वगैरह। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 3 पहाड़ पर। जी हाँ, राजा जगत प्रकाश के जो गुरु थे वो पहाड़ पर रहते थे। सवाल नंबर 94, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबसे सरखैल है, ये बात सौदा के मुताबिक किसने कही थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अब्दुल सलाम नदवी। सवाल नंबर 95, कम बोलना अदा है हर चंद पर ना इतना, मुँह जाए चश्म आशिक तो भी मुँह ना खोले, मुँह जाए चश्म आशिक तो भी मुँह ना खोले। ये शेर बागो बहार में किस दरवेश के शेर में शामिल हुआ है। तो हमने ये जो शेर है हमने इसका एक कोड बनाया है, एक लाइन बनाई है, वह है कान में हुआ दर्द इश्क का किस्सा सुनते सुनते। जब आप देखेंगे कि जब ये पहला दरवेश अपना शेर पढ़ता है तो उसके अंदर है ना वो कहता है कान धड़ सुनो, कान आता है। फिर दूसरा शेर दरवेश जब पढ़ता है तो वो दर्द में दर्द के उसके अंदर लफ्ज़ आता है, और तीसरे दरवेश के शेर के अंदर शुरुआत में इश्क का लफ्ज़ आता है, और चौथे दरवेश के अंदर चीन का लफ्ज़ आता है। तो ये हमने बनाया है कि कान में हुआ दर्द इश्क का किस्सा सुनते सुनते। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका सही जवाब जो बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर 3 तीसरा दरवेश यानी कि इश्क। आप देखिएगा, मुन जाए चश्मे आशिक, आशिक यानी कि इश्क तो भी मुंह ना खोले। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तीसरा दरवेश। सवाल नंबर 96, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के दिल्ली शाखा के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया था। जोसेफ हेनरी टेलर जो इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, और इनकी सिफारिश पर जो कायम हुआ था वो हुआ था दिल्ली कॉलेज 1925 ईस्वी के अंदर, और इस कॉलेज को 1825 ईस्वी के अंदर, और इस कॉलेज को 1877 ईस्वी में लाहौर कॉलेज में ज़म कर दिया गया था। इस कॉलेज का मकसद हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी और मगरबी उलूम से वाकिफ कराना था। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली कॉलेज। सवाल नंबर 97,
मीर हसन की वफात किस शहर में हुई थी? अभी जिक्र हुआ है मीर हसन जिनकी पैदाइश दिल्ली में 1737 ईस्वी में और इंतकाल 1786 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। मुसवी ने मीर हसन की तारीख़ी वफात शायर शीरी बयां से निकाली है। सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ। सवाल नंबर 98, सौदा के बारे में यह किसने लिखा है कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और उनमें से आग की लपटें निकलने लगती थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 99, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन कहाँ था? फोर्ट विलियम कॉलेज जो 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में कायम किया गया, उस वक्त हिंदुस्तान में जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वेलसली। इसके बाद 1854 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के टाइम में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस कॉलेज में बहुत से मुसन्निफीन वाबस्ता थे, मसलन मीर अमन, जान गिलक्रिस्ट, मीर शेर अली अफसोस, हैदर बख्श हैदरी, निहाल चंद लाहौरी, मीर बहादुर अली हुसैनी, मज़हर अली खां विला, काजिम अली जवा, बैनी नारायण जहां, लल्लू लाल कवि जी वगैरह। लल्लू लाल कवि जिनका वतन था गुजरात, और लल्लू लाल कवि की दूसरी जो किताबें हैं वह प्रेम सागर, राज नीति वगैरह वगैरह। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। सवाल नंबर 100, यहूदी की लड़की अंग्रेजी के किस ड्रामे से माखूज है? यहूदी की लड़की है आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा जिनकी पैदाइश 1879 ईस्वी को बनारस में हुई और इनका इंतकाल 1935 ईस्वी को लाहौर में हुआ। यहूदी की लड़की जो 1910 ईस्वी में लिखा गया, और यहूदी की लड़की के अंदर 3 बाब और 16 मनाजिर हैं, और ये ड्रामा जो अक्स किया गया माखूज है ये है ऑप्शन नंबर 4 द ज्यूस से। पहले बाब के अंदर 8 मंजर हैं, दूसरे बाब के अंदर 5 मंजर हैं, और तीसरे बाब के अंदर 3 मंजर हैं। इस ड्रामे के जो किरदार हैं वह है मार्क्स, नसीबन, ब्रूटस, राहिल, अज़रा वगैरह। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो आज की वीडियो है आपके लिए बहुत ही कारामद और मुफीद है। आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे अल्लाह हाफिज़।